अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस मैम। मैम जी बेटा, वो लास्ट लेक्चर जो आपने अपलोड किया था ना, उससे क्वेश्चंस थे। जी बेटा पूछिए। मैम मैं ना मुझे ये पूछना था, जो आपने वो स्लाइड्स ओपन कर देना एक बार, तो वही थी करने लगी हूँ। मैम ये जो आपने टेबल बनाया था ना, वाला यस मैम ऊपर ये बेटा, मैम उन्होंने ये इसमें ये आपने थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट नॉट लेस देन टारगेट लिखा है, इसका मतलब क्या है? बेटा इसमें मैंने यहाँ पे आपको ये वाली चीज समझाई थी ना, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। देखें, टारगेट जो है वो ग्रेटर देन हो जो आपकी फर्स्ट नोड है, और जो आपका टारगेट है यहाँ पे वो लेस देन हो इसके सेंटर में हो। ठीक है, ये दो कंडीशन। टारगेट कहाँ पे? फर्स्ट नोड से आपका ग्रेटर देन है और लास्ट से आपका लेस देन है। तो इसके बीच की बात कर रहे हैं कि मे बी ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, जैसे यहाँ पे आप 15 और 20 के बीच में हमारा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कोई हमारे यहाँ पे टारगेट है, लेकिन आपको क्या कह रहे हैं, 15 से टारगेट जो है वो ग्रेटर देन है और 20 से ग्रेट क्या है वो लेस देन है। तो इस सिचुएशन में वो क्या है, अनसक्सेसफुल। उल्टा लिखा हुआ है बेटा, देखिए टारगेट फर्स्ट से ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है ये डायरेक्शन देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो ओपन हो रहा था उसका मतलब क्या होता है, टारगेट यहाँ पे ग्रेटर देन है 15 से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 15 से ग्रेटर देन है और 20 से जो है उससे लेस देन है टारगेट हमारा। ओके मैम, और मैम ये पूछना था, ये तो खाली है ना ऑर्डर लिस्ट है ना, अगर अनऑर्डर्ड होती तो ये आपने जो सही चीजें ऑर्डर के लिए बताई ना। हाँ, अनऑर्डर्ड होता तो हमें एक एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ता जाके। अनऑर्डर्ड में तो हम लोग सिंपली ये बात कह सकते हैं ना कि जहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास एलिमेंट्स है सारे, ठीक है, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई एलिमेंट ऐसा सर्च करना है जो, फॉर एग्जांपल मुझे 20 सर्च करना है, ठीक है, 20 नहीं, मुझे सर्च करना है समथिंग जो मेरे पास आ रहा हो यहाँ पे 18 समथिंग, ठीक है, सर्च करना हो 18, ठीक है, इसके बीच में एक एलिमेंट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि 5, 10, 15 जैसे मैं 20 के करीब पहुंची तो मुझे देखा यहाँ पे 20 जो मेरा पास यहाँ पे टारगेट था जो 18 मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, मैंने टारगेट क्या कंसीडर करे 18, उससे ये एलिमेंट ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो वहां पे मैं कह रही हूँ मैं इस कंडीशन में इसको स्टॉप कर दूंगी यहीं पे। अगर हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को सर्च आउट करना पड़ेगा, तब हमें अपना टारगेट फाइंड आउट कर पाऊंगी, ठीक है, उसमें मुझे तमाम ऑर्डर अपने जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी नोट्स होंगे, उन तमाम को मुझे सर्च करना होगा वन बाय वन। तो हमने याद है एक दफा पहले हम लोगों ने एक लिस्ट में, हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट में यही कही थी। क्या फर्क है इधर, क्या चीज रिट्रीवल और है ना ट्रैवर्सल में, इधर क्या फर्क है लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, रिट्रीवल में और ना ट्रैवर्सल में? बेटा ट्रैवर्सल हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ट्रैवर्सल और रिट्रीवल हमारे पास क्या करते हैं कि हम लोग अपने एलिमेंट को रिट्रीव कर रहे होते हैं, जो भी हमारा टॉप एलिमेंट है, ठीक है, जैसे हम लोग ने बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट में कि हमने अगर रिट्रीव करें इस वक्त हमारे पास ये एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम इसको रिट्रीव करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ट्रैवर्सल क्या होता है हमारे पास कि वो तमाम एलिमेंट्स को चेक कर होते हैं, तमाम एलिमेंट्स को वो चेकिंग उसकी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसको वो ट्रैवर्स करते हैं, समझ गए? ओके, और मैम है ना ये मुझे एक और चीज पूछनी थी, जिसमें आप है ना आगे डबल लिंक लिस्ट है ना जी बेटा, उसमें आप है ना नोड में दो पॉइंटर रख रही है, एक है ना फ्रंट को है ना कर रहा है पॉइंट पहली नोड को, एक लास्ट नोड को भी कर रहा है, वो क्यों कर रही है, मतलब वो लास्ट नोड को क्यों पॉइंट करना है? कहाँ पे डबल में ये वाला?
मैम ये पीछे सॉरी सर्कुलर एक बार ओपन कीजिएगा, इसमें था जी यस मैम। आप देखें यहाँ पे ना, आप लिंक तो कर रही है ना, अब सर्कुलर में आप लास्ट वाली नोट तो क्यों है ना ना लिंक कर रही है इसमें। देखिए आपकी मैं बात समझती हूँ, हमारा जो रेयर एलिमेंट होता है ठीक है, जो रेयर पॉइंटर होता है वो क्या चीज फाइंड आउट करता है, वो क्या चीज हमें पॉइंट करता है, लास्ट एलिमेंट ठीक है। हमने ये चीज किसमें देखी थी, स्टैक में देखी थी, जिसमें हमने फ्रंट फ्रंट एंड लास्ट एलिमेंट देखे थे। हमने वहां कह रहे थे कि हमारे पास एक फ्रंट एलिमेंट होता है, एक हमारे पास रेयर होता है। रेयर किस चीज को फाइंड आउट करता है, किस चीज को पॉइंट करता है, लास्ट एलिमेंट को ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो हेड नोट है ना बेटा, हेड नोट ये लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है ठीक है, कि हमारे पास ये लास्ट है। और ये जो लिंक है ये फर्स्ट को कर रहे हैं। बेसिकली हमारी जो नोट्स है वो इन तीन के ऊपर नोट्स है, ये तीन नोट्स है ठीक है। इन तीन के बीच में ये डॉटेड का मतलब ये है कि इसमें और भी नोड्स मौजूद हैं ठीक है, लेकिन इस वक्त हम जो अपने नोड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या क्या है हमारे पास, 5, 10 and 95 ठीक है। तो 5 से अगर आप देखें ये लिंक क्या कर रहा है, हेड बता रहा है कि ये हमारा हेड है, और रेयर ये बता रहा है कि हमारा लास्ट एलिमेंट ही है। लेकिन हम लोग सर्कुलर में क्या होते हैं कि हमारा जो सर्कुलर वो राउंड और है इनके बीच। फायदा क्या है करने का, इससे फायदा क्या, हेड नोट तो ये होगा कि आप ना एक एक एलिमेंट को ना मतलब इनसे लिंक कर मतलब बता सकती हैं हेड नोट आपके कहाँ है, रेयर का फायदा क्या है इसमें। बेटा ये तो टाइप है ना इसकी, हम लोग जब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं अपनी लिंक लिस्ट की तो उसमें हम ये टाइप को बता रहे हैं। ओके मैम, और मैम और जो आपने लास्ट में मल्टी पढ़ाया था ना मल्टी लिंक वाला, वो वाला टॉपिक समझ नहीं आया था मल्टी में। मल्टी में बेटा ये है मल्टी लिंक लिस्ट, बेसिकली ये कि हम लोग उसमें जो है मल्टीपल लिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं ठीक है। अब जैसे मैंने आपको डायरेक्टली एग्जांपल समझा दी थी, इसकी एग्जांपल्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ठीक है। हमारी इसमें जो वर्डिंग सारी लिखी है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मल्टी में क्या है, देखो हमारे पास जो पहले नोड होती थी वो सिर्फ रिप्रेजेंट करी होती थी एक ही डेटा को ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीपल डेटा ले लिए हैं, मल्टीपल इसमें हमने लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं ठीक है। मल्टीपल लिंक्स कैसे क्रिएट करें, हम लोग एक लिंक क्रिएट करें वाशिंगटन के लिए और दूसरा लिंक हम क्रिएट करें स्लेटी के लिए। फर्स्ट स्लेटी जो हम लोग इसकी वाइफ से रिप्रेजेंट करें, इसको स्पाउस कहते हैं ठीक है। दो हम लोगों ने इसके अंदर लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करते हैं तो उसको हम मल्टी लिंक लिंक लिस्ट कह रहे हैं ठीक है। इसमें हमारे पास ये हम लोग मोस्टली वहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे जैसे हम लोग इसकी बैंक की एग्जांपल्स और की ब्रांचेस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसकी एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज हो रही होती है, वहाँ पे हम मल्टी लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं अपने डेटा को, जब हमने मल्टी लिंक लिस्ट क्रिएट करे तो हम मल्टीपल इसमें लिंक्स क्रिएट करेंगे ठीक है। अब देखो हमने मल्टीपल हम वहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ रेयर और हेड काउंट कर रहे होते थे। अगर हम लोग प्रीवियस अपने लिंक लिस्ट को देखें, क्योंकि ये मल्टी लिंक्स है तो इसमें हम मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करें, हम दो डेटा को इस वक्त लिंक करें, एक वाशिंगटन के डेटा को लिंक करें और एक हम लोग उसके यानी कि प्रेसिडेंट के डेटा को लिंक करें तो यहाँ पे ठीक है, और एक हम किसके करें फर्स्ट लेडी यानी कि उनकी मिसेस के हिसाब से बात करें ठीक है। जब हम दो लिंक्स की बात करें तो हम उन दोनों लिंक्स को स्पेसिफाइड मैनर से जो है ना उसके अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैं इसको आसान वर्डिंग में ऐसे समझा सकती हूँ, देखें आप सिर्फ अब चीज देखें प्रेसिडेंट की ठीक है, ये वाली चीज और इसकी प्रेसिडेंट हेड की ठीक है। प्रेसिडेंट रेयर में क्या है कि इसका हम लोग रेयर बता रहे हैं, वाशिंगटन इसका लास्ट एलिमेंट होगा ठीक है, और इसका हेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आदम से हो रहा है। इस आदम के साथ से यानी कि आप इस हेड को देखिए, इसकी जो बोल्ड लाइन है वो रिप्रेजेंट करिए इस प्रेसिडेंट वाले डेटा को ठीक है, और जो ये डैश लाइन है ये रिप्रेजेंट करिए किसको, इनकी फर्स्ट लेडी यानी इनकी मिसेस को, इनकी वाइफ को ठीक है, इनके वाइफ के डेटा को। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट का ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला अब जो है पॉइंट यहाँ हुआ आदम से ये स्टार्ट हो रहा है, हेड इसका मैं आपको किसका बता रही हूँ, सिर्फ प्रेसिडेंट का बता, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जो इसका फर्स्ट वाला आप ये पॉइंटर देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट यहाँ से ये अब ये किसको नेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यानी कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जेफरसन ठीक है। यानी कि आप ये नेक्स्ट पॉइंट इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा हो गया, जेफरसन का। जेफरसन का आप इस नेक्स्ट एलिमेंट से देखिए, यहाँ से इसके जो ये वाला पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रेसिडेंट का। जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट लेडी के डेटा को ठीक है। तो अब आप देखिए इसका जो फर्स्ट वाला जो पॉइंटर है वहां से आप इसका वो पॉइंटर निकला और कहाँ चला गया, वाशिंगटन।
इसलिए हमने इसके रेयर में कह दिया था कि वाशिंगटन इसका क्या है, रेयर एलिमेंट है, ठीक है। अब रेयर एलिमेंट जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता है उसके आपने यहाँ पे देखा होगा कि क्रॉस लगा होता है, क्योंकि इसका आगे फर्दर कोई एलिमेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे आके अब ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब हम किसी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्पाउस की। स्पाउस में क्या है, जो इनकी मिसेस की बात करी जा रही है, इसमें रेयर हमारे पास क्या बन गया, स्मिथ, यानी कि स्मिथ वो एलिमेंट है जो इसका लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। इस डेटा का सबसे एंड नोट हमारे पास क्या, स्मिथ का। अब ये डैश लाइन से आप गौर करना शुरू करें, स्पाउस की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है आपको माउस का, यस मैम। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या हो गया, वाशिंगटन। अब वाशिंगटन से फिर पॉइंट होके जा रहा है सबसे नीचे वाले एलिमेंट जेफरसन में, जेफरसन से फिर ये पॉइंट होके यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ये नल वैल्यू है इसके क्रॉस लगे, इसमें कि ये हमारे पास रेयर एलिमेंट है। तो ये हमारे पास मल्टी लिंक है, जहाँ पे हम लोग एक नोड को मल्टीपल लिंक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें मल्टीपल डेटा को ऐड करके, ठीक है। हमने इनिशियली लिंक थी इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ी थी जिसमें हमने मल्टीपल डेटा रखा था, लेकिन उसमें वो क्या कर रहा था, मल्टीपल डेटा जो है वो सिंगल लिंक लिस्ट को ऐड कर रहा है, याद है हमने, जिसमें हमने नोड भी ऐड की थी, अपने नोड में डेटा ऐड किया था, उसमें एज थी, नेम था और कुछ और भी था, ठीक है। मल्टीपल डेटा हमने ऐसे रखा था, लेकिन हमने उस मल्टीपल डेटा को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किया था, तो वो हमारे पास सिंगल लिंक था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करें, हम लोग डेटा को अब इसमें से इस डेटा को अलग से लिंक क्रिएट करें और इस डेटा के लिए हम लोग अलग से लिंक क्रिएट करें, तो इसलिए हमारे पास क्या, मल्टी लिंक्स है, ठीक है, मल्टी लिंक लिस्ट। ओके मैम, और कोई क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करें अपना सेशन। मैं नेक्स्ट स्टार्ट। जी बेटा, मल्टी लिंगलेस और सिंगल लिंगलेस मतलब वर्क पे एक तरह का दिया ना, हमारे जो एंड है वो हमारे फर्स्ट के साथ कनेक्ट है। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही बेटा, बहुत डिस्टॉर्शन। मैं पूछूं कि मल्टी लिंगलेस और सर्कुलर लिंगलेस एक ही तरह वर्क कर दिया ना बेटा। सर्कुलर में तो आपका रोटेट होके फर्स्ट एलिमेंट दोबारा आ जाता है, ठीक है, हम उसमें रोटेट करते रहते हैं एलिमेंट को, ठीक है। अगर हम लोगों ने उसमें ट्रेवर्स करना है तो फर्स्ट एलिमेंट से मूव होकर दोबारा फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं। लेकिन मल्टी लिंक लिस्ट में क्या होता है, मल्टी लिंक लिस्ट में ये है आपका जो डेटा है वो, देखिए सर्कुलर में हमारे पास ये क्रॉस नहीं आता, सर्कुलर दोबारा अगेन फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस क्रॉस का, इस नल का मतलब ये है कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो हमारे पास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा। बस मल्टी लिंक लिस्ट में ये होता है कि हम मल्टीपल डेटा में मल्टीपल लिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने एक ये लिंक क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसको सिंपली क्रिएट करके दिखा दूं। ठीक है, शेयर हो रहा है आपके साथ ये वर्ड की फाइल। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैंने ये डेटा क्रिएट कर लिया, अब मैं सिंपल आप लोगों के लिए लिंक्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। वहां पे थोड़ी सी खिचड़ी बन रही है इसकी, आप लोगों को इतना समझ में नहीं है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ना अपना वो खुद ही कंसीडर कर लीजिएगा कि मैं यहाँ से लिंक बना चुकी हूँ, ठीक है। वो कुछ इस तरह से टेबल्स है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है इसलिए आप लोगों को इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। अब देखिए हमारे पास ये एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं अब आप लोगों को सिंपल करके बता रही हूँ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिंक कर रहे हैं। मैं अब आपको सीक्वेंस में सिंपली करके बता रही हूँ, अगेन ये वाला इसको लिंक कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पे, इससे यहाँ पे और इसके आगे इसको क्रॉस कर दो हम लोग के, यहाँ पे हम लोगों का एलिमेंट जो है वो किसी और का ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लिंक नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने ये एक्स्ट्रा बनाया है ना कहानी हमारे पास, दिस वन, ये वाले जो दो कॉलम बनाए एंड में, पहला वाला किसको पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको प्रेसिडेंट को, और जो दूसरा वाला पोर्शन बना हुआ है इसमें पॉइंट का वो किसको कर रहे हैं, फर्स्ट लेडी को, ठीक है। तो अब मैंने इसको में इतना घुमाया तो मैं इसको अब सिंपल करके आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब हम लोग इसकी लेडी की बात कर रहे हैं
maybe ये पहले इसको कर रहा है, ठीक है, देन यहां से ये मूव हो रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया इस हिसाब से। देखो अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये इसका सेकंड इसको पॉइंट कर रहा है, ये थर्ड इसको पॉइंट कर रहा है थर्ड वाले को, और इसके बाद ये किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। यानी कि लीनियर लिंक लिस्ट की ही बात है, लेकिन इसमें हम लोग मल्टीपल लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल देखिए हम लोगों ने पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट होके इधर मूव हो रहा है, और ये हमारे पास सेकंड, और ये लास्ट। अब यहाँ पे हमने क्रॉस लगा रहे हैं, ठीक है, ये अब इसके आगे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर है ये बात? इस तरह से हम लोग इसके लिंक क्रिएट कर रहे हैं। सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में हमारे पास ये होगा, मैं आपको सिर्फ एक लिंक क्रिएट कर दे दूंगी, ठीक है। अभी मैं इसके बाकी चीजें नहीं रिप्रेजेंट कर रही। हमारे पास सर्कुलर, मैंने तीन का ही बना लिया, ठीक है। सर्कुलर हमने तीन नोट्स बना लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं अभी रफली इसलिए बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों का अंडरस्टैंड कराने के लिए। अब इसमें क्या होगा, ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये इसका फ्रंट हो गया, ये इसका सेकंड एलिमेंट हो गया, और सेकंड एलिमेंट के बाद यहाँ से ये इसको पॉइंट कर रहा है। देन हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है, देखिए इसमें हमारे पास कोई क्रॉस नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? आप देखें ये पूरा सर्कल बन गया, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का कोई रेयर नहीं है, अगेन ये इसका, यानी कि हम इसमें रेयर काउंटिंग कर रहे हैं, अगेन ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जब आप इस जगह देख रहे हैं तो इसका क्रॉस आ रहा है रेयर में, ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, लेकिन इसमें ऐसा कोई क्रॉस नहीं आ रहा, ठीक है। ये अगेन पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, यहाँ पे स्टॉप नहीं होता रियर एंड एलिमेंट के ऊपर, इसलिए इसको हम सर्कुलर ही कहते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट। बस इसका बेनिफिट यही होता है, इसमें कोई हमारे पास नल पॉइंटर नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नल पॉइंटर है, और यहाँ पे हमारे पास कोई नल पॉइंटर नहीं होता, ठीक है बच्चों। और कोई क्वेश्चन किसी का? और यहाँ पे हमारे पास डिफिकल्टी ये होती है कि हम लोग अगर किसी एलिमेंट को हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है, हमारे पास ये एलिमेंट नाम, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूँ, सब नहीं बना, तो ठीक है। हमने फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ट्रेवर्स करते हुए लास्ट एलिमेंट तक हम पहुँच गए, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया अपनी सर्च। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये रोटेट हो रहा होता है, सर्कुलर मूव कर रहा होता है, तो यहाँ पे आगे हमें ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस होता है, जिसमें हमें फिर अपना फर्स्ट और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट बताना होता है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है या हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, ताकि जैसे हम लोग इसकी सर्चिंग करते हैं, यहाँ रिट्रीवल हम कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रिट्रीवल करेंगे, ट्रेवर्सल कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि इस एलिमेंट के बाद जब वो यहाँ पे आएगा, ये डेटा दोबारा रिपीट होगा, तो यहाँ पे वो आकर स्टॉप करेगा। बस इसमें और उसमें ये फर्क है, इसमें हमारे पास नल पॉइंटर नहीं होता कि इसके बाद कोई हमारे पास रेयर एलिमेंट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? हम अपने आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे नॉन लीनियर लिस्ट में, ठीक है। नॉन लीनियर लिस्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास सामने ये है, ठीक है। हम लोग नॉन लीनियर लिस्ट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन किसका करेंगे, ट्रीज का, ठीक है। ट्रीज क्या है, और ट्रीज से रिलेटेड जितने भी हमारे पास मेथड्स आएंगे, जो भी उसकी हम इन डेप्थ उसको देखेंगे, ट्री टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, ट्री रिकर्सिव हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ट्री यूजर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, बाइनरी ट्री, एंड देन हम लोग इस प्रॉपर्टीज, बैलेंस ऑफ अ बाइनरी ट्री क्या होता है, फिर कंप्लीट एंड इनकंप्लीट ये इसकी टाइप्स है, ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे। हमारे पास ये आगे नॉन लीनियर लिस्ट, ठीक है। नॉन लीनियर लिस्ट हमारे पास क्या होती है, कौन मुझे बताएगा?
मैम जिसमें ना एक से ज्यादा, मोर देन वन सक्सेस हो, जिसमें मैम एक से ज्यादा लिंक्स हो। एग्जैक्टली उसके फर्दर हम लोगों के पास एक से ज्यादा क्या हो, लिंक्स हो, ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन लीनियर लिस्ट होती है। ट्री क्या होते हैं हमारे पास, इस डेफिनेशन से हटके बताएं, यानी कि अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें। अपनी वर्डिंग में ट्री नहीं मालूम आप लोगों को? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका सिर्फ एक प्रेडिसेसर हो, ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं, इस वाले में ये चीज बहुत कर, ये बात क्यों कह रहे हैं कि एक प्रेडिसेसर हो हमारे पास ट्री में, उसका प्रीवियस एलिमेंट एक होगा ना। क्या हुआ बच्चों, अंडरस्टैंडेबल बात नहीं है ये, ठीक है। ग्राफ हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रेडिसेसर्स होते हैं, ठीक है, वन और मोर हो सकते हैं। कैसे, अब हम यहाँ पे ट्री के, मैं आप लोगों की एग्जांपल देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ट्री है, ठीक है। इसका एक प्रेडिसेसर की वो बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इस बी, जो हमारे पास एक नोड है, इस बी नोड से सिर्फ एक हमारे पास पाथ आ रहा है, एक हमारे पास वो आ रहा है एरो, ठीक है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, क्लियर है ये बात। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्रेडिसेसर होता है। आप इसके बाद सी की एग्जांपल देखिए, सी का भी सिर्फ एक प्रेडिसेसर है बी, और डी का भी सिर्फ एक प्रेडिसेसर है। लेकिन हमारे पास जो ट्रीज है उसके मोर देन वन हमारे पास क्या हो सकते हैं, सक्सेसर हो सकते हैं। इसी तरह ग्राफ में और ट्री में क्या फर्क है कि ग्राफ में मल्टीपल भी हमारे पास प्रेडिसेसर हो सकते हैं। हम ग्राफ को जिस तरह से रूट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम किसी जगह पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, तो हम एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए मल्टीपल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल रूट्स प्रीवियसली उससे प्रीवियस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास इसलिए कह रहे हैं कि ग्राफ में मल्टीपल प्रीडिसेसर होते हैं, जबकि हमारे पास ट्री में सिर्फ एक होते हैं, एक सिर्फ इसके पीछे नोड होगा। प्रीवियस नोड को हम क्या कहते हैं, प्रेडिसेसर कहते हैं, अगर हम इस बी से काउंट करें, और आगे के हम लोग जो नोड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसर्स कहते हैं, ठीक है। तो बी के सक्सेसर्स दो हैं और इसका प्रेडिसेसर ट्री में हमेशा एक है, क्लियर है ये बात। हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रीज, ट्री की डेफिनेशन है, ट्री में हमारे पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे ट्री में ये पार्ट है, ये वाला, इसको हम नोड कहते हैं, और इसका ये जो पाथ है, इसको ये जो हम एरो साइन है हमारे पास, इसको हम पाथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास लाइन्स हैं, इनको हम लोग जो पाथ होता है, इसको हम रियल में क्या कह रहे होते हैं, इस फॉर्म में ब्रांचेस कह रहे होते हैं, ठीक है, अपने ट्री फॉर्म में। पाथ हमारे पास ब्रांचेस होगी, और जो हमारे पास सेट्स हो गए, फाइनाइट एलिमेंट हो गए, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोड, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस एसोसिएटेड विद अ नोड, हमारे पास जितनी ब्रांचेस होंगे वो हमारे पास डिग्री ऑफ नोड से लाएंगे, कि हमारे पास कितने डिग्री की नोड है वो हमारे पास क्या उसकी ब्रांचेस से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। व्हेन द ब्रांच इज डायरेक्टली टुवर्ड द नोड इट इज एन इन डिग्री, और अगर आउटवर्ड हमारे पास अवे जा रही है उससे, तो हमारे पास आउट डिग्री होगा, ठीक है। द सम ऑफ इन डिग्री आउट डिग्री हमारे पास क्या होती है, ब्रांचेस की डिग्री कहला रही होती है। हमारे पास फिर क्या है कि हमारे पास इफ द ट्री इज नॉट एम्प्टी द फर्स्ट नॉट इज कॉल्ड द रूट, अगर हमारे पास नॉट एम्प्टी यानी कि हमारे पास ट्री में कुछ मौजूद है, तो फर्स्ट नॉट हमारी क्या कहलाती है, रूट कहलाती है, ठीक है। द इन डिग्री ऑफ द रूट इज बाय डेफिनेशन जीरो, ऑब्वियसली बात है इसकी इन डिग्री, इन डिग्री क्या होती है हमारे पास, जो इसके अंदर ब्रांच इन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास इसकी जीरो बाय डेफिनेशन जीरो थी, क्योंकि हमारे पास इसके आप बैक साइड पे देख सकते हैं, इसका प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, जब प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पे इनवर्ट डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम लोग इस प्रीडिसेसर की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, इनवर्ट की, जिसको हम इन डिग्री कह रहे हैं, ठीक है, इन डिग्री हर एलिमेंट की या तो जीरो होगी जैसे रूट है, बाकी तमाम एलिमेंट्स की क्या होगी, वन होगी, क्योंकि हमारे पास उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रीडिसेसर होता है, तो इसलिए उसकी इन डिग्री ओनली वन होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली आप लोग याद रखिएगा बात को। इसी तरह से हमारे पास जो आउट डिग्री होती है, वो हमारे पास मल्टीपल हमारे पास सक्सेसर होते हैं, इसलिए वो हमारे पास क्या हो सकती है, मल्टीपल हमारे पास उसकी आउट डिग्री हो सकती है, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू, थ्री, फोर, लेकिन हमारे पास प्रेडिसेसर रूट की जीरो है, उसके बाद जितनी भी नोड्स हैं उन सब की डिग्री जो होती है वो वन होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, आप देख सकते हैं सिर्फ रूट की जीरो है इन डिग्री, बाकी उसके बाद जितनी भी नोड्स हैं उन सब की इन डिग्री वन है,
इसमें भी एक आपके पास इनवर्ट एरो आ रहा है, ठीक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, लेकिन हमारे पास आउट डिग्री जो है, हमारे पास आउट डिग्री मतलब सक्सेसर उसका जो है या तो जीरो है या वन है या फिर कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखें ए के सक्सेसर तीन है, बी ई एंड एफ, इसके तीन एलिमेंट्स हैं। इन तीन एलिमेंट्स के बाद अगर आप बात करते हैं इसकी, तो बी का प्रीडिसेसर इनवर्ट वन है, वन या तो आपका जीरो सिर्फ रूट की कंडीशन में होगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स के बारे में नोट नॉट के क्या होंगे, वन होगा, ठीक है, ये मैं आपको बात बता रही हूँ। लेकिन हमारे पास आउटवर्ड जो होगा उसका आउट डिग्री जो होगा वो या तो जीरो होगा, जैसे इसका आप देख सकते हैं जीरो है, किसी का वन हो सकता है, यहाँ पे वन की एग्जाम्पल इस वक्त नहीं है, या फिर आपके ये टू हो सकते हैं, जैसे इनके टू है, इसके थ्री है, या थ्री से मल्टीपल भी हो सकता है, सक्सेसर हमारे पास मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। अगेन सी डी ई जी एच आई का कोई भी हमारे पास सक्सेसर नहीं, आउट डिग्री इसकी जीरो है, ठीक है। देन वो आप कह रहे हैं यहाँ पे कुछ इन्होंने एप्लीकेशन दी गई हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो है हम लोग ट्रीज को यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्जेब्रिक फार्मूलाज में यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं, देन हम लोग कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी ट्रीज को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ से मैंने आपको डायग्राम की जितनी भी वर्डिंग यूज़ की मैंने सारी इंडेक्स आप लोगों को समझा दी, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे पास ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अ लीफ इज एनी नॉट विद एन आउट डिग्री ऑफ जीरो, हमारे पास लीफ क्या होता है, सबसे लास्ट होता है, ठीक है। अब ये वाला ये लास्ट नोड जो है ये हमारे पास लीफ कहलाता है, इसकी आउट डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास कॉन्सेप्चुअली भी आ सकता है कि रूट की इन डिग्री या आउट डिग्री क्या है, आउट डिग्री आप लोग बता सकते हैं जीरो वन और मल्टीपल हो सकते हैं, वन और मोर देन वन आप कह सकते हैं, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। और क्या है इसका जो लीफ है उसकी आउट डिग्री हमेशा जीरो होती है, ठीक है, लीफ हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता है। देन हम आप कह रहे हैं कि आर नॉट दैट इज नॉट अ रूट, जो अगर ना रूट है ना लीफ है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरनल नॉट कहलाती है। इंटरनल नॉट जैसे आप देखेंगे हमारे पास नॉट क्या है, इसमें हमारे पास ये रूट है, ये हमारे पास लीफ है क्योंकि इसकी कोई आउट डिग्री नहीं है, ये आउट डिग्री है, ये आउट डिग्री है, ये आउट डिग्री है, लेकिन मुझे कोई बताए बी ई एफ में से इंटरनल नॉट कौन सी होंगी, कौन मुझे बताएगा? मैम बी और एफ है। एग्जैक्टली, B और F हमारे पास क्या है, इंटरनल नोड है, क्योंकि E हमारे पास इसका आउट डिग्री और कोई भी नहीं, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, लीफ है, ठीक है। तो जो बाकी के दो है वो हमारे पास इंटरनल नोड कहलाते हैं, ठीक है। अ नोड इज अ पेरेंट इफ इट हैज सक्सेसर नोड, ठीक है, अगर उसके कोई भी सक्सेसर नोड है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पेरेंट कहलाएगा। कैसे पेरेंट कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब हम सक्सेसर की बात करते हैं तो इसमें उससे आगे मजीद चाइल्ड क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे पास पेरेंट है। कैसे, अगर हम इस ए की बात करते हैं जो रूट है हमारे पास, बेसिकली ये बी ई एफ का क्या है, पेरेंट है, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास पेरेंट तब है अगर इसके कुछ सक्सेसर है हमारे पास, इसके कुछ एलिमेंट्स आउट डिग्री है, तो ये हमारे पास पेरेंट है। हम चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड की हम बात करते हैं कि अगर उसका कोई प्रीडिसेसर है तो वो हमारे पास क्या है, चाइल्ड है। क्लियर है ये बात, has an in degree of one, child की हमेशा in degree आपको पता है one ही होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक उसके पास in degree आ रही होती है, हमारे पास उसकी जो predecessor है वो एक होता है, हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। Two or more nodes with the same parents are sibling, यानी कि हमारे पास इस A के जो है B, E and F जो है ये क्या है, आपस में sibling है। B के लिए ये B parent है किसका, C and D का, C and D आपस में क्या है, sibling। इसी तरह से जी एच आई जो है वो एफ के क्या है, चिल्ड्रन से, ठीक है, और आपस में जी एच एंड आई क्या है, ये आपस में क्या है, सिबलिंग है, ठीक है। ये बात ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम लोग हायरार्की डिफाइन करती है अपनी फैमिली की, एग्जैक्टली सेम ऐसी है, ठीक है। एंड एंसेस्टर इज एनी नॉट इन द पास्ट फ्रॉम द रूट टू द नॉट, ठीक है, ये मैं आप लोगों को वर्डिंग से ज्यादा डेफिनेशन में आसान करके उसमें समझाती हूँ डायग्राम में। और डिसेंडेंट क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता, ठीक है। एंड सिस्टर क्या होता है, अगर हमारे पास ये नोड है, ठीक है, ये वाले बी नोड, तो हम इसको रूट से डिफाइन करके इस बी तक जब आएंगे, या आप कह दो कि इस बी से हम लोगों ने एंसेस्टर इसका फाइंड आउट करना है, तो हम बी से प्रीवियस रूट तक जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एंसेस्टर होगा। अगर हमने इसका प्रीडिसेसर देखना है तो वो हमारे पास क्या होगा, बी से ऑनवर्ड लीफ तक। क्लियर है ये बात, ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, एंसेस्टर क्या है और डिसेंडेंट क्या है हमारे पास, यहाँ दोबारा डिफाइन कर दूं मैं इनको। मैम एक बार और बता दें, एंसेस्टर हमारे पास, आप ये भी हमारे पास नॉट है, ठीक है, मैंने इसका एंसेस्टर फाइंड आउट कर,
ठीक है, एंसेस्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं इसका कहूंगी कि यहाँ इस बी नॉइज से हम पीवेस चले जाएंगे, इसका सारे जितने भी यहाँ पे ए है, ए की से पीवेस भी कोई इसका एक लिंक हो रहा होगा, ठीक है, हम उस तरफ मूव करेंगे, इस तरह से हम इसके लिंक बनाएंगे, तो इसके वो पीवेस से सर जितने भी होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, इसके एंसेस्टर होंगे। अगर हम प्रीडिसेंडेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या बात हो रही है, उसमें बात हो रही है इसके फॉरवर्ड जितने भी होंगे, इस नॉर्थ से लेके लीफ तक हम जो जाएंगे, क्लियर है ये बात, वो हमारे पास क्या होंगे, डिसेंडेंट होंगे, एंसेस्टर नॉर्थ से रूट तक और डिसेंडेंट उस नॉर्थ से लीफ तक, क्लियर है ये बात। मैम ये यस मैम, मेरे पेरेंट काउंट करने पड़ेंगे ना, तो वो एंसेस्टर कहलाते हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, ट्री टर्मिनोलॉजीज हमारे पास अब आगे मूव करने पे क्या आ रही है, हमारे पास पाथ है, ठीक है, अब पाथ इज सीक्वेंस ऑफ नॉर्थ इन विच ईच नॉर्थ इज एडजेसेंट टू द नेक्स्ट नॉर्थ, ऑब्वियसली बात है हमारे पास पाथ जो है वो एक नॉर्थ से दूसरे नॉर्थ की तरफ जो है वो एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा है जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एवरी नॉर्थ इन द ट्री कैन बी रीच्ड बाय फॉलोइंग अ यूनिक पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, ये भी बात हमें पता है कि वो जो है रूट से स्टार्ट हो रही होती है, द लेवल ऑफ अ नॉर्थ इज इस डिस्टेंस फ्रॉम दी रूट, ठीक है, हम अब इसके लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, लेवल हमारे पास क्या होता है कि जीरो लेवल हमारे पास रूट की होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वह हमारे पास वन लेवल कहलाता है, उसके बाद हमारे पास जो लेवल होती है वह हमारे पास क्या कहलाती है, सेकंड लेवल एंड देन हमारे पास थर्ड लेवल, ये हमारे पास है, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन से आप समझा देती हूँ, रूट की लेवल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जो ये वर्डिंग एंड की लिखी है ना ये सारी मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ, ठीक है। अब क्या है हमारे पास लेवल जीरो, क्या है हमारे पास, क्या है रूट है, ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांचेस आएंगी, नेक्स्ट नोड आएंगे उससे जो लिंक करके वो हमारे पास लेवल वन होगा, नेक्स्ट लेवल होगा, एंड देन फर्दर जो होगा वो उसका नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है, लेवल टू, क्लियर है ये बात। अब ये बात की जा रही है कि सेम लेवल पे हमारे पास सिबलिंग हो सकते हैं, लेकिन तमाम सिबलिंग जो होते हैं अगर सेम लेवल पे वो आपस में सिबलिंग नहीं हो सकते, जो यानी कि आसान लफ्जों में कैसे मैं आपको समझाऊँ कि अगर इस लेवल पे नॉर्थ्स हैं, ठीक है, ये नोट्स आपस में सिबलिंग है, ये नोट्स आपस में सिबलिंग है, यानी कि हम कह सकते हैं एक लेवल पे सिबलिंग्स होते हैं लेकिन तमाम जो नोट्स हैं वो आप एक सेम सिबलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे आप ये एक लेवल पे तो आ रहे हैं सी डी जी एच आई, ठीक है, लेकिन इसमें से सी डी सिबलिंग है और जी एच आई आपस में सिबलिंग नहीं है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे देखें, अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रूट हमारे पास ए है, पेरेंट क्या क्या है हमारे पास, ए पेरेंट है किसका, बी ई एंड एफ का, यानी कि एक पेरेंट हो गया, बी पेरेंट है और एफ पेरेंट है, क्योंकि इसके फर्द है हमारे पास सक्सेसर है, तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करें कि ए बी एफ हमारे पास क्या है, पेरेंट्स है। लीफ जो हमारे पास जिसके आगे कोई सक्सेसर नहीं है, तो इसमें इसके वो चिल्ड्रन है, जैसे यहाँ से ई चिल्ड्रन है हमारे पास, यहाँ से जो है ए का बी ई एफ है, ठीक है, एंड देन हम लोग फर्दर मूव करें चिल्ड्रंस का, तो वो सी डी जी एच आई है, ठीक है, मैंने लिस्ट की फिर डेफिनेशन में बता ली थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या चिल्ड्रंस है, ठीक है, ये रूट हो गया, और अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो ए बी एफ पेरेंट्स है, और बाकी तमाम जो है बी ई एफ सी डी जी एच आई ये सब किसमें आएंगे, चिल्ड्रंस में आएंगे। अब सिबलिंग की बात करते हैं, तो एक सेट हमारे पास